गुड मॉर्निंग क्लास वन, हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पेज नंबर 83 खोल लीजिए। पेज नंबर 83 पे है हमारा गुब्बारे। गुब्बारे क्या पोयम है, बहुत प्यारा सा गुब्बारे पे लिखा हुआ पोयम है। इसे मैं पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। गुब्बारों का लेकर ढेर, यहाँ अल्पविराम चिन्ह है। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है रामशेर। देखो एक गुब्बारे बेचने वाला है जिसका नाम रामशेर है। तो बच्चे कह रहे हैं, कवि कह रहा है, जो पोयम लिखा कह रहा है, गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है रामशेर। रामशेर जो व्यक्ति है, आदमी है, वह गुब्बारों का ढेर सारा, गुब्बारे ढेर सारा लेकर आया है। हरे बैगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद। इसमें हरे बैगनी लाल सफ़ेद मतलब बहुत से रंगों का है गुब्बारा लेकर आया है, जिसमें से कौन कौन से रंग है, हरे बैगनी लाल सफ़ेद, बहुत से कलरफुल गुब्बारे लेकर रामशेर आया है। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। गुब्बारा बेचने वाला कह रहा है, कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई गोल सा है, तुम पैसे लाओ और गुब्बारे ले लो, खरीद लो। तुम पैसे लेकर आओ और गुब्बारे खरीद लो, मोल तुरंत गुब्बारे ले लो। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। तो रामशेर कह रहा है, इसे अपने गुब्बारे को मुट्ठी में ले लो और इसकी डोर, गुब्बारे की डोर को अपने मुट्ठी में पकड़ लो, अपने हाथों से पकड़ लो और इसे चारों तरफ घुमाओ। चाहे जिधर भी अपने हाथ को घुमाओगे, बैलून उधर घूमेगा, गुब्बारा जो होगा उधर घूमेगा। गुब्बारा की डोर को अपनी मुट्ठी में भर के चारों तरफ घुमाओ। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से अपने गुब्बारे को उछाल दो, लेकिन छूना खूब संभाल, गुब्बारे को खूब संभाल कर छूना नहीं। अगर संभाल के रखो गुब्बारे को, छूओगे तो गुब्बारा क्या होगा, तुरंत फूट जाएगा। तो रामशेर कह रहा है कि गुब्बारे को अपने हाथों से उछालो, ऊपर नीचे करो, खेलो गुब्बारों के साथ, लेकिन संभल कर, वरना गुब्बारा फूट जाएगा। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। अगर किसी के ऊपर गुब्बारा जोर से पड़ा तो वह तुरंत फूटकर एक शोर करेगा। जब गुब्बारा फूटता है तो कितना तेज शोर करता है, आप लोगों ने सुना है ना, गुब्बारे बैलून फुलाते हैं, आप लोग बैलून फोड़ते हैं तो कितना जोर से आवाज़ करता है। पड़ा किसी के ऊपर जोर, अगर किसी के ऊपर जोर से पड़ा तो एक जोर का होगा शोर, तो एक जोर से एक शोर की आवाज़ सुनाई देगी। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। और गुब्बारा फट जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, गुब्बारा फटा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो रामेश्वर बहुत प्यारा सा गुब्बारे पे कविता है, पोयम है, फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ पूरा। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है रामशेर। हरे बैगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद। ने गुब्बारे, रामशेर गुब्बारे लेके आया है, उसके पास ढेर सारे गुब्बारे हैं, हरे बैगनी लाल पीले रंग के गुब्बारे हैं। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई बड़ा है, पैसे लेकर और इसे तुरंत खरीद लो। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में अपने गुब्बारे की डोर लेकर इसे चारों तरफ घुमाओ। हाथों से दो उन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से इसे अपने उछाल दो, लेकिन संभाल कर इसे छूना। किसी पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। अगर किसी के ऊपर ये जोर से पड़ा तो एक बहुत सी जोर सी आवाज़ होगी, शोर होगा। फूटा गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर जोर से पड़ा तो एक आवाज़ आएगी जिससे गुब्बारा फट जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। तो गुब्बारे की कहानी है, बहुत प्यारी सी। तो ये मैंने कविता पढ़ा दिया है गुब्बारे का, इसे आप पढ़िएगा, इसके अर्थ मैंने समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।